नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं और सारी जानकारी ऑथेंटिक वेरीफाइड होती है, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है। इवन इफ मैं जानता हूं, मैं फिर भी कंफर्म करता हूँ आज। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स पे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है, बहुत लोग परेशान है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को, हर एक को होता है कभी ना कभी लाइफ में। क्या है डार्क सर्कल? आज हम जानेंगे कैसे ठीक करते हैं, क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण। जब तक आपको कारण नहीं पता, आप ठीक कैसे करोगे? बेसिक। कारण क्या है उसका? डार्क सर्कल किसको होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठीक करते हैं, और डॉक्टर्स कैसे ठीक करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे ठीक करते हैं। एट द एंड आई विल गिव यू होम रेमेडीज कि भाई क्या कर सकते हो आप घर में। एक्चुअली तीन चार बड़े बड़े होम रेमेडीज मैं आपको दूंगा जिससे डार्क सर्कल ठीक हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स डाइव इनटू इट। If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. So, दोस्तों, डार्क सर्कल और ब्रूजेस ये दो डिफरेंट चीजें हैं। डार्क सर्कल वो नहीं है कि आपको आंखों में चोट लग गई, इंफेक्शन हो गया, रेडनेस हो गया, तो आईज के नीचे रेडनेस, हर एक रेडनेस, हर एक ब्रूज डार्क सर्कल नहीं होता। डार्क सर्कल वो होता है जो दोनों आंखों के नीचे ब्लैकिश डिसकलरेशन, ब्राउनिश डिसकलरेशन आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसका कारण है। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। रीजन क्या हो सकता है? सबसे कॉमन रीजन है फटीक, कमजोरी, वीकनेस और वीक फटीक। फटीक इज द मोस्ट कॉमन रीजन। तो आप कमजोर हैं, आपको वीकनेस लग रही है, फटीक हो रहा है, आपको ये हो सकता है। हो सकता है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप कम सोने से, कम नहीं, रेस्ट प्रॉपर नहीं करने से एक और चीज होती है। अगर आपको डार्क सर्कल है तो आपकी बाकी की स्किन पेल हो जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते कुछ दिनों तक, तो पेल स्किन से डार्क स्किन ज्यादा उठ के दिखती है, तो आपके डार्क सर्कल ज्यादा दिखते हैं अगर आप ठीक से नहीं सोते। ठीक से नहीं सोते ज्यादा और रेस्ट नहीं लेते, थके हुए बहुत रहते हैं, तो हो सकती है। ये सबसे बड़ा कॉमन कारण है। सेकेंड रीजन है शेडोज। जैसे अभी आंखों में मेरे शेडो आ रहे होंगे तो आपको लग रहा है थोड़ा डार्क दिख रहा है, लेकिन वो डार्क है नहीं। तो दीज आर नॉट डार्क सर्कल। डार्क सर्कल शेडो से हो सकता है, और ये शेडो कईयों में उम्र के साथ डेवलप होती है, बिकॉज उम्र के साथ आंख की सॉकेट का शेप चेंज होता है। कईयों में वो हॉलो हो जाता है, हॉलो हो जाता है जो शेडो आता है। कईयों में ये ब्रो रिजेस बड़े होते हैं, कईयों में पफी आईलिड्स होती है। पफी आईलिड्स कई लोगों को एलर्जी इन्फेक्शन में हो सकते हैं, तो टेम्पररीली आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। सो दैट इज वन रीजन, शेडोज, हॉलोज, राइट। उसके अलावा एक बड़ा कारण है थिन स्किन, पतली चमड़ी। अगर आपकी चमड़ी पतली है, अगर आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है, अगर आप बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हो, या कोई भी कारण जिसकी वजह से स्किन पतली हो जाए, स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ये स्किन बहुत सेंसिटिव है। यहां पतली हो जाएगी, इसके नीचे की जो खून की नसें हैं, काली वाली, जो ब्लू वाली खून की नसें हैं, वेन्स हैं, वो ब्लू वाली खून की नसें ज्यादा दिखेगी और ये डार्क दिखने लगेगा। यही कारण होता है थिन स्किन। बहुत ज्यादा फैट लॉस में लोगों की आंख काली काली दिखने लग जाती है। जब चार दिन खाना नहीं खाते हैं तो अपने आप काला दिखने लग जाता है। दैट इज द थिंग, राइट। तो ये विजिबल ब्लड वेसल्स के वजह से होता है, थिन स्किन के वजह से होता है, क्योंकि बॉडी आपके वाइटल ऑर्गन्स को पहले न्यूट्रिशन देगी कि आपके स्किन को, राइट। दैट इज द थिंग। सो ये हो गया। उसके बाद रीजन है सन। इवन इफ यू गो इनटू द सन, ऑब्वियसली स्किन पतली है, स्किन सेंसिटिव भी होती है। तो समटाइम्स किसी की यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और सन में थोड़ा सा भी जाने पे, एकदम एक्सपोजर होने पे, वहां पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ सन, मे बी बिकॉज ऑफ इरिटेशन, मे बी बिकॉज ऑफ धूल मिट्टी एक्सपोजर, डार्क, यू नो, अलॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, या फिर इवन बाय रबिंग। इमेजिन दैट, अगर आप आंखें रब करते हो, आंख को बहुत ज्यादा स्क्रैच करते हो, इवन बाय दैट, बहुत ज्यादा रब करने से भर से ही पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ स्टिमुलेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा मसाज कर रहे हो, वो भी गड़बड़ है, उससे भी कई लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। सो दैट इज अ थिंग। और कई लोगों में ये जेनेटिकली भी होता है, जेनेटिकली भी कई लोगों की पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। सो इट्स एन इफेक्ट। एंड मोस्ट अदर कॉजेज आर, जो दूसरे रीजन है, एक्चुअली एलर्जी से भी होता है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, इन सब चीजों से भी आपको डार्क सर्कल हो सकता है।
तो ये सारे कारण है भाई, देखो अपने लाइफ में देखो कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर हैविंग डार्क सर्कल्स। सो ये हुए डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल से कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। सो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? आप खुद ट्रीट कर सकते हो, आप कंसीलर ट्राई कर सकते हो, छुपा सकते हो, आप ओवर द काउंटर कई डार्क सर्कल रिमूविंग क्रीम्स आती हैं, कुछ हद तक कोई काम करेगा, कुछ हद तक नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली जब तक इनमें से जो कारण है वो नहीं खत्म होता, वो वापस आता रहेगा। सो कारण ढूंढिए, राइट? और डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? अगर मान लो आपकी सिर्फ एक आंख में डार्क सर्कल है, यूनिलैटरल, तो डॉक्टर के पास दिखाना है। अगर आपकी डार्क सर्कल बढ़ते जा रहे, प्रोग्रेसिव है, तो डॉक्टर के पास जाना है। कौन से डॉक्टर के पास? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट आर द डॉक्टर्स। वो क्या करेंगे? वो ये कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कारण नहीं ढूंढता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज करिए। अगर कोई कारण ढूंढता है, आपसे बात करता है, डिस्कस करता है, उसकी बात मानिए, उसकी दी हुई दवा लीजिए। वो क्या दवा देगा? प्रिस्क्रिप्शन क्रीम दे सकते हैं। हो सकता है वो पिगमेंटेशन कम करने की क्रीम दे दे, हो सकता है वो आपको सलाह दे दे कि ये करो ये करो। फिर भी अगर मान लो पिगमेंटेशन ज्यादा ही है, तो कई दफा डॉक्टर्स लेजर ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। लेजर से पिगमेंटेशन में भी काम होता है, लेजर से जो खून के नशे उन्हें भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है, और केमिकल पील्स भी कई बार लोग करवा लेते हैं, जो आइडियली थोड़ा सा रिस्की है बट करवा लेते हैं, राइट? और डॉक्टर्स कई दफा अगर हॉलो है, ब्रो रिजेस बड़े हैं या फिर हॉलो ज्यादा है, तो फिलर इंजेक्शन भी आते हैं या सर्जरी भी होती है। भाई किसी को एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो वो कर सकते हैं दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट देन इज इट नेसेसरी? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। पॉइंट इज आप कुछ छोटी चीजें कर सकते हो। पहले तो खुद देखिए इनमें से क्या है प्रॉब्लम, वो ठीक करो। अपनी डाइट ठीक करो, जैसे मैंने बताया थिन स्किन होगी, स्किन थोड़ा सा आप प्रॉपर करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो उसको कैसे ठीक करोगे? डाइट में ध्यान दो कि पानी ठीक पी रहे हो, प्रोटीन की मात्रा ठीक है, विटामिंस ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा आ रहा है, फ्रूट्स खा रहे हो या नहीं, ये सब देखना जरूरी है। डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देर आर थ्री होम रेमेडी टिप्स विच आई एम गिविंग। डाइट इज वन, मोर अदर और तीन मैं देता हूं। एक है कोल्ड कंप्रेशंस। जी हाँ, कोल्ड कंप्रेशन से फर्क पड़ेगा। आप ठंडा, आप एक चिल्ड स्पून ले लो, ठंडा चम्मच ले लो, वो लगा लो। आप फ्रोजन बीन्स ले लो, फ्रोजन पीज, मटर के फ्रोजन मटर आता है उसको कपड़े में लपेट के लगा लो, फ्रोजन कुछ भी कपड़े में लपेट के थोड़ा थोड़ा उसको सेकते रहो, ठंडा सेक। ठंडे सेक से क्या होगा, वहां जो जाने वाली खून की नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बार बार जब वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो वो दिखना बंद हो जाएगा। जब आप चाह रहे हो कंसील करना है वो बंद हो जाएगा। इसी तरह बार बार करेंगे, धीरे धीरे वो इफेक्ट पड़ जाता है। प्लस तब तक अपनी डाइट में ध्यान दो, पानी पे ध्यान दो। इसके अलावा और क्या करो? और आप पिलो रखिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पिलो अंडर द हेड। जी हाँ, हेड एलिवेट करिए जब सो रहे हैं। हेड एलिवेट करने भर से आपकी आंख के ऊपर की सूजन, अगर सूजन की वजह से है, कुछ कारणों की वजह से है, तो भी फर्क पड़ता है। हेड एलिवेट करिए, उससे फर्क पड़ता है। तो सर के नीचे एक एक्स्ट्रा पिलो रख के सोइए, दैट हेल्प्स। आप कोल्ड कंप्रेशन करिए, वो हेल्प करेगा। उसके अलावा नींद ज्यादा लो भाई, अगर जितना भी सोते हैं 2-4 घंटा बढ़ा दो, बढ़ा दो, कोई बात नहीं, थकावट निकलेगी, सब निकलेगा तो ही होगा। अब वो थकावट आपकी बीमारी की वजह से है, एलर्जी की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, विटामिन डेफिशिएंसी, उसको ठीक करो, राइट? गेट अ हेल्थ चेकअप, ये सब करो, ठीक हो जाएगा। सो दैट्स द आइडिया। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कोई बड़ा साइंस नहीं है इसमें, यही लॉजिक है। नसें यहाँ की दिख रही हैं, स्किन पतली है, पिगमेंटेशन हुआ है, थके हुए हो या शेडो है या एलर्जी है या पिगमेंट है, और कुछ नहीं। ज्यादा हाथ मत लगाओ, ज्यादा धूप में मत जाओ, धूप से बचो, बस दैट्स इट। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आई होप आपकी मदद हुई होगी इस वीडियो से। हुई है तो इस वीडियो को शेयर करना है, ऑलराइट? एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए और 2-4 लोगों को और बताइए, बिकॉज गुड थिंग्स, गुड नॉलेज इज वर्थ स्प्रेडिंग। इफ यू अग्री यू सपोर्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली एनसीआर, एंड दिस इज माई चैनल, दिस इज योर चैनल, दिस इज द चैनल वेयर वी इंक्रीज इंडियाज हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी बढ़ाइए, इंडिया को और बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।